मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल के मौजूदा सीजन का 24वां मैच खेला जा रहा है। टॉस राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने जीता और गुजरात टाइटंस को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। गुजरात का पहला विकेट मैथ्यू वेड के तौर पर गिरा, जो 12 रन के निजी स्कोर पर रन आउट हो गए। इसके बाद कुलदीप सेन ने विजय शंकर को विकेट के पीछे संजू सैमसन के हाथों कैच कराया। शुभमन गिल टीम के तीसरे विकेट के तौर पर पवेलियन लौटे, जिन्हें रियान पराग ने सिमरन हेटमायर के हाथों कैच कराया। गुजरात टाइटंस ने 17 ओवर में 4 विकेट खोकर 145 रन बनाए। फिलहाल कप्तान हार्दिक पांड्या 45 गेंदों पर 70 रन बनाकर खेल रहे हैं। उनके साथ डेविड मिलर भी हैं, जो अभी 2 रन बनाकर क्रीज पर हैं।